हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन टू पाई are called principal solutions. The expression involving integer n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. General solution of trigonometric equations. Number 1, sin theta equal to 0 implies theta equal to n pi, where n belong to z, means integers. And now we simplify. Sin theta equal to 0. Sin theta equal to 0. Then next step, theta equal to 0 degree. सभी को मालूम है sin 0 degree कितना होता है? 0 होता है. अब अगली वैल्यू कौन सी 0 होगी? इसके लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सर्कुलर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था जो फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? cos की होती है, और सेकेंड वैल्यू किसकी होती है? sin की. ठीक है, यानी cos 0 कहाँ का हो रहा है? एक तो यहाँ पे हो रहा है इस जगह, और एक इस प्लेस पे cos 0 हो रहा है. अपन चेक करते हैं कौन कौन से एंगल की वैल्यू 0 है. सॉरी, cos नहीं, अपन sin के लिए डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वैल्यू cos की और सेकंड वैल्यू sin की. तो sin 0 कब कब हो रहा है? एक तो 0 पे हो रहा है इस पे, और एक यहाँ पे sin 0 हो रहा है. अपन एंगल मेजर करने, ये तो हो गया आपका 0 डिग्री. y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यहाँ पे थीटा कितना होगा? 180 डिग्री. और यहाँ पे कितना होगा? 270 डिग्री. और यहाँ पे कंप्लीट राउंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. अब हम चेक करना स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट वी मेजर एंटी क्लॉकवाइज, यानी सीधा जीरो का आ रहा, साइन जीरो जीरो आ रहा, और फिर दूसरा एंगल कौन सा आएगा? 180 पे जाके वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आ रही है, यानी जीरो डिग्री के बाद 180 पे वैल्यू जीरो आएगी. उसके बाद वापिस से वैल्यू जीरो का आएगी, इसको और आगे रोटेट करते हैं अपन, तो 360 पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, 360 डिग्री एंड सोन चलता रह गया डॉट डॉट डॉट. अब नाउ मेजर क्लॉकवाइज, तो जीरो डिग्री पे कितना आएगा? जीरो. उसके बाद माइनस 180, किसके ऊपर? माइनस 180. जब हम इधर से मेजर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 180, उस पर वैल्यू कितनी होगी? जीरो. उसके बाद और रोटेट करने से कितना आएगा? माइनस 360, उसके ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी जीरो और माइनस 180 की वैल्यू भी जीरो है. सो राइट प्लस माइनस, प्लस माइनस. नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट इनटू रेडियन. अभी आपका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसको याद रखना आसान है, जीरो प्लस माइनस 180. तो कन्वर्ट इनटू रेडियन, जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू टू पाई रेडियन एंड डॉट डॉट डॉट. अब नाउ टेकिंग कॉमन पाई, पाई कॉमन ले लो तो अंदर क्या मिलेगा आपको? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट 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 डॉट. दीज आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से. सो थीटा इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग टू जेड. नेक्स्ट कोस थीटा इक्वल टू जीरो implies theta equal to 2n plus 1 means odd multiple of 90 degree. अब फिर से देखते हैं cos का जीरो था, फर्स्ट वैल्यू cos की होती है और सेकंड वैल्यू sin की. तो ये फर्स्ट वैल्यू cos की, देखो एक तो यहाँ जीरो हो रहा है और एक यहाँ पे cos जीरो हो रहा है,
और ये जो एंगल हो कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पे थीटा कितना होगा 270 डिग्री, और कंप्लीट राउंड लगा दोगे तो थीटा कितना होगा 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री। अब नाउ मेजर एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले क्या होगा, कोस 90 की जो वैल्यू हो कितनी होती है, जीरो होती है, कोस 90 की जीरो रही, तो सबसे पहला आंसर जो आएगा आपका थीटा इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। उसके बाद कोस कब जीरो होगा, 270 पे, फिर कब जीरो होगा, 360 प्लस 90 यानी 450 डिग्री, एंड सो ऑन। अब नाउ मेजर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं अपन, तो एक तो माइनस 90 भी जीरो होगा, किस पे होगा, माइनस 90 पे इस जगह, फिर उसके बाद माइनस 270 पे जीरो होगा कॉस इस प्लेस पे, और फिर और आगे जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 450 पे। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते तो क्या आता है, नेगेटिव होता है एंगल, यानी आएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 90 डिग्री, प्लस माइनस 270 भी कोस जीरो होता है और प्लस माइनस 450 पे भी कोस जीरो होता है। अब थीटा इक्वल टू, नाउ कन्वर्ट इनटू रेडियन, पाई बाय 2 प्लस माइनस 3π/2 एंड प्लस माइनस 5π/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट है π/2 कॉमन, वी गेट प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड डॉट 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 डॉट। अब दीज आर ओड इंटीजर्स, n मीन्स इंटीजर, 2n मीन्स इवन इंटीजर, एंड 2n माइनस 1 ओड इंटीजर, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 आल्सो ओड इंटीजर, 2n प्लस 3 भी इंटीजर, तो हम किसी एक को लेना है, तो जो ग्रेट मैथमेटिशियन उन्होंने क्या लिया, 2n प्लस 1, तो हम यहां क्या लेंगे, 2n प्लस 1, और n belong to Z, 2n plus 1 means odd number, that's why we say cos theta equal to 0 implies theta equal to odd multiple of 90 degree. अब now tan theta equal to 0, अब ये कोई formula नहीं, formula सिर्फ first two है, अब जो ऐसी एक तरह से questions है, small problems, अब tan theta equal to 0, देन नेक्स्ट वी कैन राइट टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और अभी जस्ट हमने प्रूव किया था साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाए एंड एन बिलोंग टू इंटीजर, एक तरह से फॉर्मूला नहीं है, प्रोसीजर है। अब नाउ कोट थीटा इक्वल टू 0, सेम प्रोसीजर, कोट थीटा इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेप कोट थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेप कोस थीटा इक्वल टू 0, और इफ कोस थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मीन्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और n बिलोंग टू z, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, आप इनको एज ए प्रोसीजर आप करोगे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब नाउ कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, देखो फिर से ये फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से प्रोसीजर है,
अगर कहीं भी इस तरह की इक्वेशन आएगी तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, और एज ए फार्मूला भी अपन इसको याद रख सकते हैं ताकि कहीं शॉर्टकट है एग्जाम में कॉम्पिटिशन में आप जल्दी से कर सकते हैं। अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं आपके लिए, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस सी माइनस कॉस डी, सॉरी कुछ बुक में एक्स वाई के फॉर्म में भी लिखा हुआ फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी इन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट सिंबल्स, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब नेक्स्ट स्टेप, माइनस टू साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इक्वल टू जीरो, वी नो माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। अब थोड़ी देर पहले अपन ने जस्ट प्रूव किया था, इस पूरे को अपन थीटा कंसीडर कर लेते, क्या कंसीडर कर लेते, थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट डे में क्या पढ़ा था अपन ने, थीटा इक्वल टू एन पाए, ये जो पूरा थीटा आपका वहां क्या आ जाएगा, एन पाए। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू एन पाए, और यहां भी क्या मिलेगा, वही थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू एन पाए। नेक्स्ट टाइम आपको यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल टू टू का उधर इंटू कर दो, क्या आएगा टू एन पाए, और फिर अल्फा को अपन उधर भेज देंगे तो माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू टू एन पाए और माइनस अल्फा को उधर सेंड करें तो क्या होगा, प्लस अल्फा, और दोनों को अपन कंबाइन करके लिख देते हैं। अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू टू एन पाए प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इस तरह से हम प्रोसेस से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिक्स, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, अपने आप में फॉर्मूला नहीं है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। नेक्स्ट स्टेप, वी कैन राइट टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इक्वल टू जीरो। अब नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा मीन साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, और ये जो कोस थीटा कोस अल्फा है इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू कोस थीटा साइन अल्फा जीरो। अब फिर से वही फॉर्मूला, साइन थीटा इसको थीटा कंसिडर कर लो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एन पाए, और नेक्स्ट टाइम में क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस अल्फा। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो हमेशा लास्ट के अंदर एन को डिफाइन करेंगे, ईच स्टेप में नहीं करेंगे,
n belong to क्या हो जाएगा integer z, तो लास्ट में लिखना कंपलसरी है. नेक्स्ट sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा. इसका थोड़ा सा फॉर्मूला स्पेशल दिखता, बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं. तो आप इसको प्रोसेस से भी कर सकते हैं. sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, सेम प्रोसीजर, sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू जीरो. अब नाउ अप्लाई फार्मूला sin c माइनस sin d. तो पहले आता है 2 cos c प्लस d, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, यानी वही c माइनस d और c प्लस d. ये फार्मूला है आपका, और मैं साइड में फार्मूला भी लिख देता हूं यहां पे, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2. अब नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू जीरो. अब 2 तो जीरो के इक्वल नहीं है, नहीं क्या होगा, cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो एंड sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने पढ़ा था इसको थीटा कंसीडर कर लो, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा क्या होता है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. अब यहां पे कैंसिल हो रहा है आपका, 202 कैंसिल हो गया. अब साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू एन पाई, और एन किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, वो लास्ट में लिख देंगे हम. एन पाई है, यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं, एन बिलोंग टू जेड फॉर बोथ द पार्ट्स. अब नेक्स्ट स्टेप, यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2n प्लस 1 इंटू पाए और प्लस अल्फा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस अल्फा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, 2n पाए और माइनस अल्फा, इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस अल्फा. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इनको अपन अरेंज करके लिखते हैं नेक्स्ट टाइम में. अब देखो नेक्स्ट टाइम में मैं इसको क्या लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाए, प्लस लिख रहा हूं मैं यहां पे, और माइनस 1 रेज टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा. अब सिंपल सा देखो आप, अब माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है, तो माइनस 1 की पावर ऑड नंबर, यानी क्या होगा, माइनस 1 ही आ गया, यानी माइनस अल्फा ही मिला. अब सिमिलरली थीटा इक्वल टू 2n पाए प्लस, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस 1 रेज टू दी पावर 2n इंटू अल्फा. अब माइनस 1 की पावर इवन नंबर कितना होता है, प्लस 1 होता है, यानी प्लस अल्फा ही मिल गया. अब इन दोनों रिजल्ट को अपन कंबाइन करते हैं. कंबाइन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, 2n प्लस 1 क्या है, ओड नंबर है, और 2n क्या है, इवन नंबर है. तो दोनों जगह अपन एक जनरल नंबर ले लेते हैं, k, k बिलोंग टू इंटीजर, और वो क्या हो जाएगा, ओड और इवन दोनों ही हो जाएंगे. ऐसे यहाँ पे भी क्या है, 2n प्लस 1 ओड नंबर, और यहाँ 2n क्या, इवन नंबर है. तो दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंबाइन करके. तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर कंबाइन करके, थीटा इक्वल टू, दोनों जगह में न्यू सिंबल यूज कर रहा हूं, के पाए प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर के अल्फा, और आगे लिख देता हूं मैं, वेयर के बिलोंग टू इंटीजर. अब देखो के की जगह अपन इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर मीन्स 2n रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाए
प्लस माइनस वन की पावर टू एन अल्फा। फिर यदि अपन ओड इंटीजर रखते हैं तो क्या मिलेगा, टू एन प्लस वन पाए प्लस माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन अल्फा। ठीक है, लेकिन अभी तक जितने फार्मूले हमने लिखे थे उसमें के की वजह क्या यूज करते हैं, तो वापिस अपन के को एन से रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन रेज टू दी पावर एन अल्फा, और आपका जो है एन वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते तो आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नाउ देयर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अपन प्रूव करते हैं, फर्स्ट वाले का प्रूव करते हैं। सबसे पहले सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब नो अप्लाई दिस फार्मूला, ये फार्मूला अपन को अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जीरो मीन्स इधर साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो एंड साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब सेम फॉर्मूला अपन को लगाना है, अगर इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाए, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाए एंड थीटा माइनस अल्फा आल्सो इक्वल टू एन पाए, और n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू z। नेक्स्ट स्टेप दोनों को अपन कंबाइन करके लिख देते रिजल्ट्स को, तो कंबाइन कैसे करेंगे अपन, थीटा इक्वल टू अल्फा को उधर ले जाते पहले, थीटा इक्वल टू n पाए माइनस अल्फा एंड थीटा इक्वल टू n पाए प्लस अल्फा। ठीक है, अब कंबाइन कर देते दोनों रिजल्ट को, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस अल्फा, और एन बिलोंग टू क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, अब सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा करना है अपन को, तो कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से स्टार्ट करेंगे इंप्लाई। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब वन से वन तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो फिर से वही फॉर्मूला बन गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, पूरा प्रोसेस वो का वही रहेगा सेम। लास्ट में क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। सिमिलरली क्या मिलेगा अपन को, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग टू जेड। अब हम करते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का, तो भी सेम उसी तरह से होगा, सिंस
tan square theta equal to tan square alpha. अब tan को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, sec के अंदर चेंज कर सकते हैं. sec tan square theta क्या होता है, sec square theta minus 1 is equal to sec square alpha minus 1. अब minus 1 से minus 1 तो cancel हो गया आपका. अब sec square theta को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos square theta equal to 1 upon cos square alpha. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, cos square theta equal to cos square alpha. यानी फिर से वही स्टेप आगे देखो, cos square theta equal to cos square alpha. यानी नेक्स्ट आंसर क्या आने वाला आपका, theta equal to n pi plus minus alpha और n belong to z. That's why तीनों के फॉर्मूले सेम है, sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha and tan square theta equal to tan square alpha, implies theta equal to n pi plus minus alpha. अब now remarks. जब भी हम कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं कुछ उनके जनरल रिमार्क्स होते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हम यूज करेंगे. व्हाइल सॉल्विंग रिमार्क नंबर 1, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एट एनी स्टेप, इफ इट इज नेसेसरी सॉल्यूशन शुड बी चेक्ड वंस. अब कैसे देखो, आपको समझाता हूं मैं कुछ अपन नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू. मान लो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 1, ठीक है. अब बच्चे ने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 और फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं क्या आता, प्लस माइनस 1 आता है. जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू 1 और आंसर में क्या रहा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1. यानी अगर अपन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं. तो हमको जो आंसर है चेक करने पड़ेंगे वापस इक्वेशन में रख के. मान लो थीटा की वैल्यू आ रही 45 डिग्री, तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो भी आपकी इक्वेशन है उसको अपन 1 नेम दे देंगे और उसमें रखेंगे. यदि सेटिस्फाई करें नहीं सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं. नेवर कैंसिल अननोन टर्म्स ऑन बोथ साइड्स इफ दे आर इन प्रोडक्ट. अगर टू नंबर्स प्रोडक्ट में है तो हमको कैंसिल नहीं करना जब तक हमें मालूम ना हो, ठीक है. जैसे कैसे, मान लो आपको दे रखा है 2x स्क्वायर और उधर दे रखा है x, अगर आप x x कैंसिल कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो वैल्यू ऑफ x. अब कैसे, तो मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. 5 × 0 कितना होता है, 0, एंड 0 × 3 कितना होता है, 0 होता है. मतलब दोनों आपस में इक्वल है. अगर आप 0 से 0 कैंसिल कर दो तो क्या होगा, 5 = 3, विच इज नॉट पॉसिबल. यानी हम अननोन क्वांटिटी को कैंसिल नहीं कर सकते, उसी क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, यानी 0 के इक्वल नहीं है. चेक द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो एट ईच एंड एवरी स्टेप. कहीं भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है कि वो 0 तो नहीं है, व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस. अगर अपन में 0 तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. जैसे क्वेश्चन में अगर टेन थीटा है, मतलब टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो जब भी टेन थीटा क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कोस थीटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. मान लो अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. यानी उस क्वेश्चन में जो कोस थीटा है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है. क्या है, नॉट इक्वल टू 0. यानी हम कोस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं कहीं भी. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.